नमस्कार, एमकेएन के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। जनमुद्दे की शुरुआत करते हैं। क्षेत्र के किसान फसलों की सिंचाई के लिए लंबे समय से बांध की मांग करते आ रहे थे। किसी तरह सुतियापाट बांध तो बन गया, लेकिन उसका पानी जिले को छोड़कर अन्य दूसरे जिले को दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कबीरधाम जिले की, जहां किसानों को पानी के नाम पर अधिकारी लॉलीपॉप थमा रहे हैं। वहीं किसान कड़ी धूप में मेहनत कर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में जुटे हैं। ऐसे में अन्नदाता को अपनी फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। बता दें कि कबीरधाम जिले में किसान 1968 से बांध की मांग करते आ रहे थे, जिनकी मांग 2003 में तत्कालीन अजीत जोगी सरकार ने सुनी तो और लोहारा ब्लॉक के सुतियापाट बांध का निर्माण भी शुरू करवाया। वहीं बांध 2008 में तैयार हुआ, तब राज्य में बीजेपी की सरकार थी। वैसे तो सुतियापाट जलाशय कवर्धा के लोहारा ब्लॉक में है, लेकिन इसका पानी स्थानीय किसानों को ना देकर दूसरे क्षेत्र को दिया जा रहा है। किसान बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि प्राथमिकता के आधार पर पहले नजदीकी गांव को बांध का पानी दिया जाना चाहिए। आंदोलन करने पर 2018 में बीजेपी की मौजूदा सरकार ने क्षेत्र के 26 गांव के किसानों को सुतियापाट जलाशय के नहर विस्तार की मंजूरी दी। 16.5 लाख की राशि स्वीकृत भी की गई, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद एक बार फिर किसान जो है वो पानी के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। इतना ही नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों ने किसानों की समस्याएं नहीं सुनी, तो क्षेत्र के किसानों ने राज्यपाल से गुहार लगाई, जहां से हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि क्षेत्र के किसानों को उनके हक का पानी कब मिलता है। क्या है कि हमारे पूर्वज लोग सुतियापाट बांध का पानी का सपना देख रहे, देखते देखते पूर्वज ने पूरा एक पीढ़ी गंवा गए, पर भी हमारे सुतियापाट बांध बनेगा, बनेगा तब हमारे गांव में पानी आएगा, हमारे गांव के बाल बच्चा को हरा फसल या हरा मतलब हरियाली मिलेगा, ये सोच रखे थे। पर हमारा पूर्वज जो है वो एक पीढ़ी तो चले गए, उसके बाद भी हमारे जो बात है कि हमारे विचार बांध बनेगा ये कितना दिन गुजर गए, निकल गए, उसके बाद सुतियापाट बांध जब भी बना तो उस समय जोगी के कार्यकाल में बांध बना। बांध बनने के बाद भी वो सन 2003 के लगभग शुरुआत हुए, 2008 में पूर्ण हुए। अभी आप लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पानी तो अभी भी तरसता है, पानी के लिए वही सिलसिला को हम तो किसको मिल रहा है अभी पानी? पानी के बांध के जो दोनों लाइनी नाली बनाने के लिए जब कहे थे उस समय तो किसान लोग ये कहे कि हमारे तरफ भी नाली आएगा, पानी मिलेगा, ये सोच रहे। अभी कहां जा रहा था नाली का पानी? मैंने उत्तर दिशा में, मैंने सुतियापाट बांध का एक नाली जो है अपने कबीरधाम जिला से निकल करके साझा क्षेत्र में जा रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रहलाद पटेल। गांव कौन सा? ढोठमा ना हो पा रहा है। अभी तक तो कुछ आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन किसान संघ पूरा प्रयास कर रहे हैं अभी। तो पानी आप लोगों को अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल, अभी तो पानी नहीं मिल रहा है। कहाँ जा रहा है पानी? अभी साझा क्षेत्र में पानी जो पूरा साझा क्षेत्र है, साझा क्षेत्र में जा रहा है। अच्छा, तो क्या क्या कदम उठाए हैं आप लोग? अभी हम लोग किसान संघ के माध्यम से बहुत में कदम उठाए, आंदोलन किए, पैदल यात्रा भी किए, और यहाँ तक से राज्यपाल जो महोदय है उसके पास भी जाकर के निवेदन किए हैं। क्या बोलते हैं जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि तो आश्वासन देते, कुछ नहीं बोलते हैं। आश्वासन नहीं मिला है? नहीं मिला आश्वासन। आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम और आंदोलन करेंगे और हाई कोर्ट में जा करके लगाएंगे। जब तक से 26 गांव को पानी नहीं मिलेगा तब तक से किसान संघ शांत नहीं बैठेंगे और हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। सुतियापाट का निर्माण मेरे पिताजी के शासनकाल में हुआ था। उनकी मंशा थी कि उसका पानी वहाँ के जो आसपास के 27-28 गाँव हैं वहाँ के ग्रामीणों को मिले, पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 15 साल से ज़्यादा हो गया उसका एक बूंद पानी किसानों को नहीं मिल पाया है। सरकार को चाहिए कि उस डैम का पानी किसानों तक पहले पहुँचाए। सर, उस डैम का पानी कवर्धा जिले के किसानों को न मिल करके अन्य जिलों के लोगों को मिल रहा है? मुझे अन्य जिलों के लोगों को मिल रहा है उस पर कोई आपत्ति नहीं है, पर जिस जिले में बांध बना है उस जिले के लोगों को तो मिलना चाहिए।
यही हाल हमारी महानदी का है। अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं कि आज महानदी जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, लाइफलाइन है, 90% पानी का उपयोग ओडिशा कर रहा है हीराकुंड बांध के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में हम उसका 10% पानी का उपयोग भी नहीं कर पा रहे। ऐसे ही हाल कवर्धा में। जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की, जहां पर बांध तो बन गया है लेकिन बांध की सुविधा जो है वो कबीरधाम के जिले वासियों को ही नहीं मिल रही है बल्कि दूसरे यानी कि शारजा क्षेत्र में ये पानी जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि 2008 में ये बांध तैयार हुआ, 1968 में इस बांध को स्वीकृति मिली थी। वहीं इतने साल बाद भी आखिरकार जब यहां बांध बनकर तैयार हुआ, बावजूद इसके यहां पर 26 से ज्यादा गांवों के जो किसान हैं उनको इस बांध की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। वहीं 16.5 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद यहां एक बार फिर किसान पानी के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रहलाद साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, बताइए जब आप वहां पर पहुंचे क्या कुछ मामला सामने आया, साथ ही साथ यहां पर तमाम उन किसानों का क्या कुछ कहना है जो 26 गांव के किसान इसके इन खातों में आते हैं, और साथ ही साथ यहां पर संबंधित विभाग के अधिकारी भी क्या कहते नजर आते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि सुफिया बांध का निर्माण जो है कबीरधाम जिला के लोहारा ब्लॉक से 15 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है जी, जिसका पानी आसपास के 26 से 28 गांव को मिलना है, जिसके लिए जो क्षेत्र के किसान हैं लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। किसान जो है कई तरीके से सरकार को जगाने का प्रयास किया है, कैंडल मार्च निकाले, पैदल यात्रा किए, यहां तक कि गांव में जन प्रतिनिधि का भी बहिष्कार किया और पक्ष विपक्ष दोनों से अपनी फरियाद अपनी मांगे रखी, लेकिन किसी ने उसका जो है फरियाद नहीं सुना है। और किसानों का ये कहना है कि जब तक जो है नहर निर्माण के लिए हम सरकार जो नहीं सुनेगी तब तक उनका जो है आंदोलन चलता ही रहेगा। प्रहलाद, किसी उच्चाधिकारी से बात करने की कोशिश की आपने? जी, ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की, ग्रामीणों का वही कहना है, और जो है क्षेत्रीय विधायक ममता संजाकर से भी बात करने की कोशिश किया जी। बट वो उनसे बात नहीं हो पाया और बोले कि अभी कुछ चीज में व्यस्त है तो इस संबंध में बात नहीं कर पाएंगे जी। प्रहलाद, ये बताइए कि वहां पर जब आप पहुंचे तो तमाम जो किसान थे और ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उनका क्या कुछ कहना है यहाँ पर, क्योंकि 2008 में इसकी स्वीकृति दे दी गई थी लेकिन वहीं अगर 1968 में इसकी स्वीकृति हुई थी, 2008 में ये बनकर तैयार हुआ था, 2003 में जिस तरीके से कहा कि जो की सरकार थी लेकिन उस बीच जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आ गई, क्या लगता है इस बीच या तो फिर दोनों बीजेपी और कांग्रेस की सरकार के बीच में यहाँ पर जनता पिसती हुई नजर आ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये सरकारों के बीच में ही किसान पिसते नजर आए हैं, क्योंकि बांध का निर्माण तो 2003 में ही स्टार्ट हो गया था, 2008 में मौजूदा जो रमन सिंह के कार्यकाल में पूर्ण हो गया, लेकिन तब से ये जो बांध का पानी के लिए किसान तरस रहे हैं, नहर निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसानों का ये जो प्रयास है असफल ही रहा। किसानों का ये भी कहना है कि बांध निर्माण के जस्ट बाद ये अपना बेमेतरा जिला में साजा ब्लॉक के लोगों को पानी मिल रहा है, जबकि कवर्धा जिला को पहले प्राथमिकता देना चाहिए था जी। प्रहलाद जी, आपको 2 मिनट रोकना चाहेंगे। अब हमारे साथ किसान मूलचंद साहू जुड़ गए हैं। साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमके में। मूलचंद जी, क्या कुछ कहेंगे मामले में, चूंकि आप एक किसान हैं और किसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस पानी की जो उसका हकदार होता है, वो भी उस फसल के लिए जिसके चलते यहाँ पर सरकार बांध की व्यवस्था कराती है। बांध की व्यवस्था तो हो गई है लेकिन पानी की आपूर्ति आप लोगों को नहीं हो पा रही है, क्या कुछ कहेंगे? हेलो जी मूलचंद जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज थोड़ा कट रही है मैडम। मूलचंद जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से आप परेशान लगातार नजर आ रहे हैं, आपके ग्रामीण क्षेत्र वो 26 गांव जिसके चलते बांध की व्यवस्था तो की गई लेकिन अब तक पानी की पूर्ति आप लोगों के लिए नहीं करवाई जा रही है, और क्या क्या परेशानी आती है आपको? हाँ, जो बांध से पानी के लिए 26 गांव का सर्वे हुआ है जी, उसमें आज तक कम से कम 8 साल बांध तैयार हो चुका है। एक तरफ से तो पानी दिया जा रहा है और दूसरे तरफ से जो 26 गांव को आज तक पानी नहीं मिला है, तो इसे हमारे जल संकट, पेय की जल समस्या है सिंचाई के साथ साथ, तो यही सब है जिसे हम शासन प्रशासन सभी को जनता अपना
सब ये दर्शा रहे हैं कि हम लोग इस तरह से पानी के लिए पीड़ित हैं, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी मूलचंद जी, क्या लगता है बीच में इस तरीके की जब समस्या आती है तो कहां समन्वय की कमी नजर आती है आपको कि इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? क्योंकि अगर हकदार वहां पे तमाम 26 गांव है, क्योंकि स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए यहां पर इस बांध का निर्माण कराया गया था, बावजूद उसके जब उन्हीं क्षेत्र के गांवों को यहां पर पानी की उपलब्धता नहीं करवाई जा रही है, तो क्या लगता है कि किसकी गलती यहां पर आप लोगों को नजर आती है? अब गलती यही है कि भाई शासन, इसमें प्रशासन के जो है बैठे हुए हैं वो इस 26 गांव के ओर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि उसी बांध से पानी को हमारी क्षेत्र से बढ़ाकर अन्य क्षेत्र में जा रहा है, लेकिन खुद जहां पर बांध बना है वहां के नीचे के स्तर के जो 26 गांव हैं उसको पानी नहीं मिल रहा है। इसमें तो अभी जो वर्तमान सरकार है उन्हीं के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसमें। जी मूलचंद जी, क्या लगता है 26 गांव के जो किसान हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, क्या आगे चल के कदम उठा सकते हैं ऐसा कि जिसके चलते आप लोगों को आश्वासन मिले, या आप लोगों की कोई ऐसी रणनीति जिसके चलते यहां पर तमाम प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करने का आप लोगों ने निर्णय लिया हो? हम लोग यही समस्या को यहां प्रशासन ने कुछ, हमारे कई बार हम लोग रोड पे आए, कोरोना काल में भी हम लोग पूरे 5000 जनता किसान जो दुखी थे वो उस सरकार के पास गुहार लगाए, कलेक्टर के पास जाके आवेदन लगाए उस कि हमको ये पानी चाहिए करके, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग यही सब मुद्दा को लेकर राज्यपाल महोदय से बात। जी मूलचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ शेष नारायण बेस जुड़ चुके हैं, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष है वो। नारायण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। नारायण जी क्या कुछ कहेंगे मामले में, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण काफी परेशान है, एक या दो गांव के नहीं बल्कि तमाम 26 वो ग्रामीण क्षेत्र जिन्हें यहाँ पर बांध की पानी की उपलब्धता तो मिलनी चाहिए लेकिन यहाँ पर उनको मिलती नजर नहीं आ रही है। हेलो जी नारायण जी। हेलो नारायण जी, सवाल ये है कि जिस तरह से 26 गांवों के किसान हैं उनको बांध के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बल्कि ये बांध उन्हीं के क्षेत्र में बना हुआ है लेकिन शाजा क्षेत्र में ये पानी जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे मामले में? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो नारायण जी, तेज बोलने की कोशिश करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर कबीरधाम जिले का मामला सामने आया है बांध को लेकर, यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण है वो परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि बांध का निर्माण तो हो चुका है सर, लेकिन वो तमाम 26 गांव जिनको यहाँ पर पानी की आवश्यकता है, जिनके वो हकदार है, उनको पानी ना मिलने के बजाय यहाँ पर शाजा क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर पानी मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नारायण जी आप सुन पा रहे हैं? तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क टूट चुका है नारायण जी से, बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि यहां पर आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की, जहां पर तमाम 26 ग्रामीण क्षेत्र के लोग सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि वहां पर बांध का निर्माण तो हो गया लेकिन 10 साल बाद भी यहां पर उनको बांध का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते फसलों के लिए उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि यहां पर तमाम जो अधिकारी हैं उनसे जब गुजारिश की गई कि उपजाऊ जमीन तो हमने भूमि को उपजाऊ कर लिया है लेकिन बावजूद इसके अगर यहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो फसलें जो हैं वो यहाँ पर अच्छे से निर्मित नहीं हो पाएंगी, बावजूद इसके यहाँ पर तमाम अधिकारी ध्यान देते नजर नहीं आते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बांध का निर्माण नहीं हुआ हो लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर बाढ़ का यहाँ उद्घाटन किया गया था और उद्घाटन के 10 साल बाद इस बांध को स्वीकृति मिली और आखिरकार 2008 में जब ये बांध बनकर तैयार हुआ, इतनी मशक्कत के बाद बावजूद इसके जिनने ये अपील की थी कि यहाँ पर बांध बनवाया जाए उनको ही इस पानी की सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही है। वो 26 गांव जिन्होंने मिलकर आश्वासन के आधार पर सरकार से ये मांग की थी कि हमें जल्द से जल्द बांध की स्वीकृति दी जाए ताकि हमें तमाम उन ग्रामीण क्षेत्रों को फसलों को नुकसान ना हो जिसके चलते यहाँ पर पानी की ना की उपलब्धता के चलते फसलें खराब हो रही है, बावजूद इसके 26 गांव आज भी इस पानी से अछूते हैं।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बांध का पानी है ये तमाम उन क्षेत्रों को जाता है जो कबीरधाम जिले से ना लगे हुए हैं, बल्कि ये कबीरधाम जिले से नहीं लगे हुए हैं, बावजूद इसके यहाँ पर दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों को पानी पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र जो है, जो 26 गांव यहाँ से लगे हुए हैं, उनको इस पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ पर तमाम कार्रवाई का आधार पर आश्वासन भी दिया जाता है, बावजूद इसके यहाँ पर आज तक इस पानी की उपलब्धता उनको नहीं हो पाई है। जोगी की सरकार थी उस समय इस बांध को स्वीकृति मिली थी, वहीं स्वीकृति के आधार पर यहां 1968 की बात की जाए तो बांध की जो मांग करते आ रहे थे किसान, उनकी मांग पूरी होती हुई भी नजर आई। 2003 में ये बांध को स्वीकृति मिलने के बाद 2008 में यह बांध जो है वो बनकर तैयार हुआ, लेकिन बांध तैयार तो हो गया, जब पानी की स्वीकृति की मांग की गई और पानी की उपलब्धता की मांग की गई तो किसानों को इसकी उपलब्धता नहीं हो पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो बाकी के गांव और बाकी के क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र यहां पर लगे हुए हैं, वो यहां पर अब जुड़ते हुए नजर आए। वहीं हमारे साथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शेष नारायण बेस जुड़ चुके हैं। नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। नारायण जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही, बोलिए ना। नमस्कार जी। नारायण जी, कबीरधाम जिले के अंतर्गत आने वाले सुतिया पाट बांध की बात कर रहे हैं, जहाँ पर 26 गांव उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन सर उन्हीं को यहाँ पर बांध का जो पानी है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ कहेंगे मामले में? हेलो। हाँ, हमारा ये कहना है कि साझा क्षेत्र संघ को किसी को आपत्ति नहीं है, ये क्षेत्र का मांग है। जमुना से हमारे जो 26 गांव है जी, वो पूरा ड्राई बेल्ट है जी। लास्ट जनवरी फरवरी फर्स्ट वीक से पूरा ड्राई हो जाता है, फार्मिंग के लिए पानी की नहीं इस क्षेत्र में जी। नारायण जी, परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी विभागीय परेशानी है, अधिकारी लोग कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। चाहते तो उन लोग इधर नाली दे सकते थे पहले, जिस समय बांध का निर्माण हुआ था जी। लेकिन सर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर अगर इस मामले को देखा जाए, क्योंकि 10 साल बाद तो इस बांध की सबसे पहले निर्माण हुआ, ठीक है, 10 साल बाद के बाद भी यहाँ पर जब ग्रामीणों को आशा की उम्मीद जगी कि यहाँ पर आखिरकार हमें बांध का पानी मिलेगा, तब भी अगर उनको पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है तो सवाल तो उठता है। दूसरी तरफ ये भी मामले सामने आते हैं कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों ने आशा जताई कि वाकई में उन्हें बांध की जो स्वीकृति हुई उसका पानी मिलेगा, फिर भी नहीं मिला, क्या कुछ कहेंगे? पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इसमें क्या है, स्वीकृति आनन फानन में क्या बोला जाए, चुनाव के जस्ट पहले भूमि पूजन किया गया था जी। क्योंकि जो राशि स्वीकृत हुआ था उस राशि में 26 गांव को पानी नाली का निर्माण वहां तक नहीं हो सकता जी। अभी वर्तमान सरकार के द्वारा इसको फिर से जो भी एस्टिमेट वगैरह तैयार किया जा रहा है और जो पर्याप्त राशि है वो उपलब्ध कराने का आश्वासन मंत्री जी द्वारा विधायक जी द्वारा किया गया है जी। कितनी राशि स्वीकृत की गई है नारायण जी? इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई पूर्व में 16 करोड़ हुआ था स्वीकृत इसमें, लेकिन लागत अधिकारियों का कहना है कि इसमें लागत ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें लगातार अगर 26 गांवों की बात करें और 16.5 लाख की आबादी, माफ कीजिएगा, 16.5 लाख की यहां पर राशि स्वीकृत की जाती है, बहुत कम राशि है। क्योंकि अगर 26 गांवों में तमाम उन सुविधाओं को पहुंचाना है जिसके चलते पाइपलाइन डाली जानी चाहिए और बांध का जो पानी है वो लोगों को स्वीकृत हो, लेकिन सवाल ये उठता है सर कि 2021 लग चुका है, बावजूद इसके यहां पर अब तक यहां पर बांध कई उन पाइपलाइनों का बिछाव क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहां पर ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में सीएम भूपेश बघेल किसानों के लिए कई वादे भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, बावजूद इसके इस काम को इतनी ढील क्यों दी गई? वही हम बता रहे हैं ना कि भाई आनंद फानन में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इनका भूमि पूजन किया गया जी, जो राशि स्वीकृत किया गया था उसमें 26 गांव पानी मिल ही नहीं सकता जी। हेलो जी, नारायण जी सुन रही हूँ, धन्यवाद नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अब हमारे साथ संजय साहू ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान संघ के जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। संजय जी, क्या कुछ कहेंगे मामले में? कबीरधाम जिले के अंतर्गत आने वाले बांध का ये मामला है, जहां कबीरधाम जिले के ग्रामवासियों को, 26 गांवों के ग्रामवासियों को यहां पर सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं किसान, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार जी। संजय जी, मैम ये जो बांध का जो निर्माण हुआ है, जैसा मैं अभी देख ही रहा हूँ आपका जो टीवी में डिबेट चल रहा है उसमें ये बता ही रहे हैं किसान की, ये 2003 से शुरुआत हुआ है और 2008 में समापन हो गया है, बनके तैयार हो गया बांध जी। लेकिन आज तक समझ लीजिए 12-13 साल बीतने के बाद भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि किसान लगातार रोड में आके इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और पिछले 5 साल में तो ये इतना बढ़ गया है लड़ाई
कि किसान अपने पूरे परिवार के साथ रोड में आके लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें महिला और बच्चे, इस तरह की लड़ाई जो कोरोना काल जैसे संक्रमण के दौरान, बहुत ज्यादा संक्रमण के दौरान भी किसानों ने रोड में आके लड़ाई शुरू की थी, और उसके बाद भी अब तक अगर देखा जाए तो जो कछुआ चाल है वही चलता हुआ प्रशासन के द्वारा दिख रहा है। हम लोग जब बार बार जाके अधिकारियों से बात करते हैं तो यही बताते हैं कि हम लोग कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन जो इस क्षेत्र के विधायक हैं जिनको 60,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ के वोटर मतदाताओं ने जिताया है, उनका अभी तक इस ओर कोई भी ध्यान नहीं गए हैं, बल्कि वो लोगों के सामने हाथ जोड़ते घूम रहे हैं। जी संजय जी, क्या कहें, या तो यूं कहें कि जिस तरह से यहाँ पर पैसों की स्वीकृति की गई है, तमाम जिस तरीके से यहाँ पर बांध की स्वीकृति दी गई थी, तो 16.5 लाख तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने स्वीकृति दी थी, बावजूद इसके जब यहाँ पर कांग्रेस के अधिकारियों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि पैसों की जो आमदनी है वो ज्यादा यहाँ पर लगेगी, जिसके चलते अब नया प्लान यहाँ पर बनकर तैयार होगा। या ये कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादा पैसों की उपलब्धता फिलहाल नहीं हो पा रही है कांग्रेस की सरकार में, छत्तीसगढ़ सरकार में, और यही एक कारण है कि अभी यहाँ पर सरकार बचती हुई नजर आ रही है इस मामले में? देखिए, ये जो 16.5 लाख नहीं था, एक्चुअली 16.5 करोड़ था जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा दिया गया था जी, और ये जो 16.5 करोड़ दिया गया था वो लगभग 2 से 2.5 साल पहले की बात है जी, और आचार संहिता लगने के 3-4 घंटे पहले भूमि पूजन करके ये सब दिया गया था, और उसके बाद वो तो तय है मैडम कि जितना ज्यादा ये बनने में देरी होगा लागत उतना ही बढ़ता जाएगा, और अभी वर्तमान में जो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो जो बता रहे हैं कि इसका लागत जो है 47 करोड़ बढ़ चुका है, 16.5 करोड़ से 47 करोड़ जी जी, और वो तो और लगातार बढ़ना ही है। तो मैडम इसमें तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि यही वो विधायक है, यही वो मंत्री है अभी वर्तमान में, जिन्होंने किसानों से, उस क्षेत्र के मतदाताओं से चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि मेरी अगर सरकार बन जाती है, मैं हार भी जाता हूँ तो भी मैं किसी भी हालत में सुतियापाट नहर का विस्तार इस गांव में कराऊंगा, और आज भी 47 करोड़ की जो लागत है, 26 गांवों में पानी जाना है, हजारों किसानों को उसका फायदा होना है, तो वो 47 करोड़ बहुत ज्यादा राशि नहीं है मैम, और इसके अलावा राज्य सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं तो अभी भी कर रही है जी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी राशि है, और इसको तो सरकार को करना ही चाहिए, और जितना लेट करेंगे उतना और बढ़ता जाएगा। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि सरकार खुद चाहती है कि किसान इस क्षेत्र के उग्र हो जाए, और ऐसा कोई कदम उठाए जिसमें सरकार के सामने भी व्यवस्था का दिक्कत हो और किसानों को भी दिक्कत हो जी। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर जो कबीरधाम जिले के लोग हैं, 26 गांव को यहाँ पर आसानी से जल की जो सुविधा है वो दी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे छोड़कर, इस क्षेत्र को छोड़कर शाजा क्षेत्र के लोगों को पानी दिया जा रहा है, ये मामला को समझ में नहीं आया। ऐसा मैम कि ये उस समय जब बनना चालू हुआ था बांध तो वो 2003 का समय था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, कांग्रेस की सरकार में जो मंत्री है रविन्द्र चौबे, जो सिंचाई मंत्री है, उनके उनके योजना में पहले से ही था कि अगर सुतियापाट बांध यहाँ बनता है तो हम इस रास्ते को उपयोग करके उस पानी को यहाँ तक लाएंगे अपने क्षेत्र में करके। अच्छा। और बनते बनते जब भाजपा की सरकार आ गई तो भाजपा की सरकार ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया है जी। और आप ये भी सोचिए कि उस समय भाजपा की सरकार रहने के बाद बाकी जो विपक्ष है जब अपने तरफ पानी को ले जा रहे हैं, तो वर्तमान सरकार का ये काम था कि पहले वो अपने घर देखते, इवन ये जो जिला है वो मुख्यमंत्री का गृह जिला, डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री महोदय ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है जी, संजय जी। तो कहीं ना कहीं ये कोई बड़ा षड्यंत्र है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में, इसलिए इन्होंने एक दूसरे का कभी विरोध नहीं किया है। आज भी मुख्यमंत्री महोदय इस विषय में, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय इस विषय में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना ही इस जिले का जो प्रभारी मंत्री है मोहम्मद अकबर, वो भी इस विषय में कुछ बात नहीं करना चाहते, वो सीधा ये बोल देते हैं कि सिंचाई मंत्री ही कर पाएंगे, मेरे बस की बात नहीं है जी। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि आश्वासन के आधार पर तो लोग कर भी सकते हैं कुछ उम्मीद, लेकिन जब आश्वासन ही नहीं दिया जाता तो आखिरकार यहाँ के किसान क्या करेंगे। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के रामकृष्ण साहू जुड़ गए हैं। रामकृष्ण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में जी। रामकृष्ण जी क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर वो बांध जिसके चलते 26 गांवों को इसका पानी मिलना था, लेकिन बावजूद इसके दूसरे गांवों को इसका पानी मिल रहा है, और उन्हीं के क्षेत्र के 26 गांव आज भी तरस रहे हैं बांध के पानी के लिए। देखिए इसमें पूर्ववर्ती सरकार में जो है 26 करोड़ रुपए से इसका 16 करोड़ रुपए का राशि जारी हुआ था जी, 26 गांव के मामला है, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ के जैसे सत्ता बदलने के बाद में ये लोग जो कह रहे हैं कि उसमें हम लोग जिला पंचायत में मुद्दा भी उठाए थे जी, और उस मुद्दा को उठा करके भी रखे कि उसमें बोले कि इसका टेंडर निरस्त हो गया,
मैं बोला विभागीय स्तर में यदि टेंडर निरस्त हो जाती है तो रिटेंडर बुलाते हैं। बिल्कुल, हमारी जी मापदंड के अनुसार से जैसे 16 करोड़ का हुआ था तो 25 करोड़ का होता मापदंड में जी, ये भी तो उसमें भी उसका अधिकारी जो है गोलमोल जवाब देते हुए कर दिया है। दूसरी बात में आंदोलन की जन आंदोलन भी किए थे, उसमें भी हम लोग जो है अल्टीमेट भी दिए थे, कलेक्टर साहब को भी दिए थे कि हमारे जिले का है बांध, हमारी जमीन डूबी है और हम लोगों को जो इतने जो 26 गांव की जो मामला है उसमें पूरा किसानों को जो है पानी नहीं मिल पा रही है और यदि पानी नहीं मिलेगी तो फिर विकास कैसे होगी। और यहाँ का जो है मंत्री जो बोलते हैं कद्दावर मंत्री है, मेरे को पता नहीं ऐसे ऐसे कहने में थोड़ी हो जाएगी जी। लेकिन रामकिशोर जी, अगर मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस की सरकार के बीच में जनता पिसती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार ग्रामीण तो सर परेशान नजर आ रहे हैं ना, उनको सिर्फ एक ही उम्मीद है कि 10 साल बाद एक तो यहाँ पर बांध बना और 10 साल बाद भी अगर उन ग्रामवासियों को यहाँ पर वो सुविधा नहीं मिल पाती है जिनके लिए वो लड़े हैं, सर प्रदर्शन किया है और 5000 की आबादी यहाँ पर लगातार कोरोना काल में यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी सिर्फ इस हक के लिए कि उन्हें बांध का पानी मिले, लेकिन बावजूद इसके आज तक उनको मिल नहीं पाया। जी जी, तो वही हम लोगों की लड़ाई भी थी और आगे लड़ाई भी जारी रहेगा मीडिया के माध्यम से, मीडिया को भी हम लोग संकेत किए थे, उस समय पूरा तमाम मीडिया भी गए थे कि भाई हमारी जो जल क्षमता है, जल क्षमता उसमें ऊपर है और इस तरह हमारे जिले से होकर के कबीरधाम जिले से होकर के जो जा रहे हैं वहाँ बेमेतर जिले में और बकायदा वो उसी पैसे को खर्च करके जो नए केनाल का व्यवस्था बनाए हैं, मैं देख रहा था बरगांव करके गांव है वहाँ पे पूरा गांव को तोड़े हैं और तोड़ करके व्यवस्था स्थापित करके जो पानी पूरा ले जा रहे हैं और यहाँ की मंत्री जो हमारे पूरा मौन बैठे हैं कि अपने क्षेत्र को हमारी यहाँ के विधायक है पटरिया ये भी सब मौन बैठी है, तो मौन बैठने से थोड़ी होगी। सरकार किसी क्यों भी हो, यदि सरकार ने यदि उसके जनता के लिए अनुरूप में केनाल का विस्तार करने के लिए पैसा दे दिए गए थे तो उस पैसे को निरस्त नहीं करना था और निरस्त किए हैं तो उसका आप भरपाई भी करो, समय भी आपके पास में 3 साल समय निकल चुके हैं, ये जो है हमारी जनता वंचित है वहां से। जी रामकृष्ण जी, लास्ट सवाल ये कि किस तरह से इस रणनीति को लगाम लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं किसान काफी परेशान है, ऐसी क्या रणनीति बनाई जा सकती है जिसके चलते किसान भी परेशान ना हो और सरकार का भी काम यहाँ पर आराम से हो जाए। ये परिस्थितियाँ ऐसी भी होगी कि पूरा किसानों के माध्यम से जो ये केनाल जो नई बनाई है ना वहाँ पे हम लोग स्टाफ लगाएंगे, स्टाफ लगा करके और ये जब तक के पानी यहाँ का नहर विस्तार नहीं होगा जी तब तक ले आगे जाने के लिए अनुमति भी नहीं दिया जाए, ऐसा जिला कलेक्टर को एक चिट्ठी लिख करके कि हमारी क्षमता रहते हुए वहाँ ले जा रहे हैं, तो हम लोग जो भी इसमें कहीं कहीं आंदोलन के जन भागीदारी के माध्यम से लड़ेंगे तभी जाकर के सदन में भी हम लोग जिला पंचायत में भी लड़े थे कि पानी जो है हमारी बाहर न जाया जाए जी। और उसमें जो है मंत्री महोदय जी भी पूरा मौन बैठे हैं क्योंकि यहाँ के जो व्यवस्थित में है पूरा सब लोग एक दूसरे से मिली जुली वाले मामले में है क्योंकि छूट दे दी है जी। रामकृष्ण जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल एक या दो ग्रामीण क्षेत्र का नहीं है बल्कि तमाम उन 26 ग्रामीण क्षेत्र का है जिसके चलते 10 साल बाद उन्हें वो सुविधा तो मिली लेकिन अफसोस इस बात का कि उस ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिली जिनकी उन्हें चाह थी। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों यहाँ पर तमाम बांध का विस्तार तो किया गया लेकिन उन 26 ग्रामीणों तक बांध का पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है जिसके लिए उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी, प्रदर्शन किया और साथ ही साथ बांध भी बनवाया। लेकिन अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद जनप्रतिनिधियों तक ये बात जाती है या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। हर खबर से रूबरू करवाते रहेंगे, साथ ही साथ इस मामले में क्या कुछ अपडेट मिलता है उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए एमकेएन के साथ। नमस्कार।